सौतेली माँ के जादुई गाउन और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है, विकास नगर शहर में शिवानी अपनी सौतेली माँ कमला और पिताजी राम स्वरूप के साथ रहती थी। शिवानी एक बहुत ही शांत और नेक दिल लड़के थी। उसमें बस एक ही कमी थी, वो था उसका काला रंग। शिवानी के काले रंग की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कोई शिवानी को काला भालू तो कोई कल्लो माई कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। शिवानी की सौतेली माँ शिवानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी। शिवानी की सगी माँ के गुजर जाने के बाद शिवानी की सौतेली माँ ने ही शिवानी का पालन पोषण किया था। गांव मोहल्ले के सभी बच्चे जब कभी भी शिवानी का उसके काले रंग की वजह से मजाक उड़ाते, उसकी सौतेली माँ उसको अपने गले से लगाकर समझाया करती थी कि रंग रूप सब ऊपर वाले की देन है। इंसान की पहचान तो उसके अच्छे कर्मों से होती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन, प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में क्रिसमस डे के मौके पर सभी बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। इस फंक्शन में सभी बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर आएंगे। क्लास के सभी बच्चे आपस में डिवाइड होकर दो दो का पेयर बना ले। हर ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होने चाहिए जो अपने एक परफॉर्मेंस तैयार कर ले। इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्लास के सभी बच्चे आपस में बात करने में लग जाते हैं। कोई कहता है, मैं तो हाई हील्स के सैंडल और उस पर एक सुंदर सा गाउन पहनकर आऊंगी। तो कोई कहता है, मेरे पिताजी मेरे लिए बनारस से एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आए थे, मैं वही पहनकर आऊंगी। लड़के भी आपस में बात करने में लगे हुए थे। मैं उस लड़की के साथ परफॉर्मेंस करूंगा जो क्लास में सबसे सुंदर होगी। ऐसे ही तरह तरह की बातें हो रही थी, परंतु शिवानी क्लास के कोने में अकेले बैठे बैठे कुछ सोच रही थी कि उसके पास ना तो पहनने के लिए ज्यादा सुंदर कपड़े हैं और ना ही कोई लड़का उसका काला रंग देखकर उसके साथ पेयर बनाएगा। शिवानी की क्लास की सबसे सुंदर लड़की मनीषा कहती है, मुझे पता है स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का राहुल तो पक्का मेरे साथ ही पेयर बनाएगा। हम दोनों कपल डांस में कितने सुंदर लगेंगे, मैं तो सोच कर अभी से पागल हो रही हूँ। शिवानी से क्लास का कोई भी बच्चा बात नहीं कर रहा था। वो उदास होकर क्लास से बाहर जा रही होती है कि तभी राहुल उसे रोक लेता है। अरे शिवानी, तुम कहाँ अकेले बाहर जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ राहुल। राहुल और शिवानी को इस तरह बातें करता देख मनीषा को जलन होने लगती है। राहुल और शिवानी जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। राहुल पूरे स्कूल में सबसे हैंडसम और डैशिंग लड़का था। स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी। राहुल हैंडसम और डैशिंग होने के साथ साथ दिल का बहुत ही साफ लड़का भी था। वो जानता था कि कोई भी लड़का शिवानी के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो खुद शिवानी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता था। परंतु कहीं ना कहीं राहुल को भी शिवानी से बात करने में डर लग रहा था। राहुल, तुम इतनी देर से मेरे साथ बैठे हो और कुछ बोलते भी नहीं, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बिना डरे बोल सकते हो? नहीं शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे केवल एनुअल फंक्शन के बारे में बात करने आया था। नहीं, मैं उस दिन छुट्टी पर रहूंगी, मेरा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है। क्यों, परंतु तुम तो बहुत अच्छा डांस जानती हो, मुझे तो लगता है कि इस बार एनुअल डे की ट्रॉफी तुम्हारे ही हाथ आने वाली है। डांस तो मैं जानती हूँ, परंतु तुम नहीं समझ सकते राहुल, बात केवल डांस की नहीं है, मेरे साथ पेयर बनाने के लिए एक लड़का भी तो चाहिए ना। मुझ काली लड़की के साथ आखिर कौन सा लड़का पार्टिसिपेट करना चाहेगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो शिवानी, काले रंग गोरे रंग से क्या कोई सुंदर बन जाता है? असली सुंदरता तो उसकी शब्दों में होती है, उसकी बोलचाल में होती है। शिवानी राहुल की ये सभी बातें सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और शिवानी को उससे प्यार होने लगता है। अरे तुम कहाँ खो गई शिवानी, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पसंद करोगी? हाँ राहुल, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं और छुट्टी होते ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शिवानी का मन अभी भी राहुल के साथ लगा होता है। वो राहुल की सभी मीठी मीठी बातें याद कर रही होती है।
शिवानी के दिल में राहुल के लिए प्यार और भी बढ़ गया था और अब उसे सिर्फ राहुल ही राहुल दिखाई दे रहा था। शिवानी बेटा, तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, आज स्कूल का दिन कैसा गया? कहीं नहीं माँ, मैं बस स्कूल में आयोजित किए जा रहे फंक्शन के बारे में सोच रही थी। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल का एक लड़का राहुल मेरे साथ एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने तो सोच लिया है कि इस बार मैं डांस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। माँ, मेरे अलमारी में जो गाउन है ना, जो पिताजी मेरे लिए पिछले साल जन्मदिन पर लाए थे, उसे प्रेस करके रख दीजिएगा। और हाँ, मेरे स्कूल के शूज भी धो दीजिएगा, मैं वही पहनकर फंक्शन में जाऊंगी। शिवानी की माँ जानती थी कि शिवानी को एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए एक नई गाउन की आवश्यकता है, परंतु वो अपने पिताजी की कम आय और घर की आर्थिक स्थिति देखकर ये बात नहीं बोलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सभी चीज तैयार रखूंगी, तुम केवल अपने डांस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है, परंतु कमला मन ही मन ये सोच लेती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन और एक सैंडल अवश्य लेकर आएगी। कमला ने अपने दैनिक खर्चों में से कुछ रुपए बचाकर रखे थे। कमला वे रुपए लेकर मार्केट में शिवानी के लिए एक सुंदर सा गाउन लेने जाती है। कमला को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन देखने को मिलते हैं, परंतु शहर के इतने महंगे रेट्स की वजह से वो उन्हें नहीं खरीद पाती। कमला एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर खड़े होकर एक सुंदर से गाउन को देख रही होती है कि तभी उस शोरूम का मालिक बाहर निकलकर कमला को डांटने लगता है। मैं तुझे पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ कि तू यहीं खड़े होकर मेरी दुकान पर नजर बनाई हुए है। मुझे तो तू कोई चोर और चक्की लगती है, जरूर तेरा इरादा मेरी दुकान से चोरी करने का है। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं मालिक, मैं तो केवल अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन देख रही थी। ये देखिए, मेरे पास रुपए भी है। ये क्या, तू तो केवल 500 रुपए लेकर आई है। 500 में तो हमारे शोरूम में एक रुमाल भी नहीं मिलता। यह तो फिर भी पूरे 10,000 का गाउन है। माफ कीजिए सरकार, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, कृपया पुलिस को ना बुलाए। सेठ कमला को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कमला चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कमला बहुत उदास बैठी होती है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अगले दिन कमला एक सुनार के पास 10,000 रुपए उधार लेने पहुँच जाती है। सेठ जी, आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए, मैं अगले 6 महीने में आपके रुपए सूद समय लौटा दूंगी। क्यों नहीं, कोई गारंटी लाई हो? सेठ जी, गारंटी तो नहीं है, परंतु मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपए सही समय पर लौटा दूंगी। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? जान ना पहचान मैं तुझे 10,000 उधार दे दूं? तेरे जैसे 36 से रोजाना पाला पड़ता है मेरा। चुपचाप सीधे तरीके से बाहर निकल जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे धक्के मारकर बाहर कर देंगे। कमला सेठ के पास से भी उदास मन से वापस आ जाती है। कमला घर की तरफ उसे शोरूम के यहाँ से गुजर रही होती है। शोरूम के मालिक की एक अटैची गिरी हुई दिखाई देती है कमला को। कमला पास जाकर देखती है तो वह अटैची नोटों के बंडलों से भरी होती है। इतने सारे रुपए देखकर एक पल के लिए कमला को खुशी होती है, परंतु कमला एक ईमानदार औरत थी, वो ये रुपए सेठ को वापस लौटाने की सोचती है। कमला गाड़ी का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है, जहाँ सेठ अपनी बीवी के साथ बैठकर रो रहा होता है। सेठ जी, क्या हुआ, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अरे बहन, मेरे रुपयों से भरा एक अटैची कहीं रास्ते में गिर गया और मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें अभी पूरे 1,00,000 की जरूरत है। अब मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो सेठ, ये आपकी अटैची कार से बाहर गिर गई थी, ये रुपया लो और अपने बेटे का इलाज करा लो। सेठ अपने रुपए वापस देखकर बहुत खुश हो जाता है और कमला का धन्यवाद देने लगता है। सेठ जी, पहले जाकर आप रुपए जमा करा दीजिए, पहले आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मुझे धन्यवाद दीजिएगा। कमला वहीं बैठकर सेठ के आने का इंतजार करती है। सेठ समय पर रुपए जमा करा देता है और उसके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब देख सेठ और उसकी बीवी दोनों कमला का धन्यवाद करते हैं।
कमला बहन, आज अगर समय पर आकर तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए होते तो आज कुछ अनर्थ हो जाता। मुझे याद है उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं अपनी गलतियों का सुधारने के लिए तुम्हें अपनी दुकान से वह गाउन गिफ्ट देना चाहता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कमला बहन, तुम मुझे अपना भाई समझकर ही वह गाउन गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लो। आज से तुम्हारी बेटी शिवानी की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ। और इस तरह कमला उस सेठ के शोरूम से वो सुंदर सा गाउन और सैंडल ले आती है। शिवानी बेटा, ये देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। वाओ माँ, ये तो ब्रांडेड गाउन और सैंडल है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना सुंदर गाउन मेरे लिए लाई हो। हाँ बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और अब तुम ये गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। शिवानी वो गाउन देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह शिवानी वो गाउन पहनकर तैयार होकर एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ फंक्शन में राहुल और शिवानी अपने परफॉर्मेंस देकर सभी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं और कपल्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।